एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है एक, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये रफ सरफेस है। बोलो फ्रिक्शन इस पर लगेगा या नहीं, इस पर फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। रेस्ट में है ब्लॉक, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन इस पे नहीं लगेगा। एम मास है इसका, रफ सरफेस है, एम जी किधर नीचे की तरफ नॉर्मल, और अप्लाइड फोर्स है नहीं, और चूंकि ये रेस्ट में है इसलिए फ्रिक्शन क्या लगेगा, जीरो। ये ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं हम, इस पर अप्लाइड फोर्स लगाने के लिए इसके वेट का इस्तेमाल करते हैं। अप्लाइड फोर्स लगाने के लिए इसके वेट का इस्तेमाल करते हैं और इसको टिल्ट करते हैं ऐसे, एक तरफ उधर फिक्स कर रखते हैं, इसको ऊपर की तरफ ऐसे मूव कराते हैं इसको। देखिए इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ ऐसे उठा रहे हैं, ये थीटा एंगल से ऐसे उठा दिए ऊपर। अब देखो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा, अब इस पर लगने वाला फोर्स क्या क्या है बोलो। ये एक फोर्स है एम जी, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा कितना, एम जी कॉस थीटा आएगा, इधर कितना आ जाएगा एम जी। तो क्या सरफेस के पैरेलल एक अप्लाइड फोर्स आया नहीं, आ गया, कितना आ गया एम जी, पहले सारा परपेंडिकुलर था एम जी और इस डायरेक्शन में क्या है नॉर्मल। तो ये जो फोर्स है ये किसके ऐसा बिहेव कर रहा है, दिस फोर्स बिहेव लाइक एफ अप्लाइड, इसका वेट का कंपोनेंट जो किधर है, सरफेस से पैरेलल है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, सपोज करो अभी भी ये रेस्ट में है, लेकिन क्या अब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस पे, बिल्कुल लग रहा, और किस डायरेक्शन फ्रिक्शन लग रहा, ऊपर की तरफ, और अगर स्लिप नहीं कर रहा तो क्या लग रहा है एफ एस, कितना बजे नोट करो ठीक से। नोट कर लिया, देखिए चलो अब इसमें कुछ बताइए आप हमको। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऐसे करने से क्या बढ़ेगा, अगर ऐसे इसको उठाएंगे तो क्या होगा, थीटा का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, थीटा का मान बढ़ने से एम जी साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, थीटा बढ़ाते जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मतलब क्या बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब, इसका मतलब है कि आप बाहर वाला फोर्स क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो ये जब बढ़ेगा तो एफ एस भी बढ़ेगा, ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे तो एफ एस भी क्या होगा, एफ एस भी बढ़ेगा, लेकिन एफ एस कहां तक बढ़ सकता है, एफ एल तक, उससे ज्यादा बढ़ेगा, उसके बाद भी अगर ऊपर लिफ्ट करोगे ब्लॉक क्या होगा, स्लिप करने लगेगा, और उसके बाद लगने क्या लगेगा एफ के, तो वह एंगल जहां पर एफ एस अपने मैक्सिमम वैल्यू पर चला जाए उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक कम्स इन कंडीशन ऑफ जस्ट स्लिपिंग, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं उसको। उसको नोट कर लिए, तो हम लोग दूसरा लाइन में लिखेंगे कि थीटा को ही हम लोग बोलेंगे, थीटा को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, कब बोलो, जब एफ एस कहां चला जाए, व्हेन एफ एस बराबर क्या हो जाए, एफ एस मैक्स हो जाए, और वो एफ एस मैक्स किसके बराबर होगा, म्यू एस एन के बराबर होगा, नहीं, और म्यू एस किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा, एम जी नहीं यहां पर है, क्या है यहां पर,
mg cos theta into n, तो इंक्लिनेशन एंगल को कब हम एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, जब अप्लाई, जब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ चले जाए अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, उसके बाद फिर क्या होने लगेगा, ब्लॉक स्लिप करने लगेगा, समझ में आया। तो आप उसके वैल्यू को निकाल देते हैं, देखिए नोट कर लीजिए उसको, लास्ट में लैंग्वेज लिखने के बाद लिख लेना। देखो तो इसको इक्वेट करो एट इक्विलिब्रियम या एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन पे बोलिए कौन कौन सा फोर्स किसके बराबर होगा। एफ एस बराबर एफ एल हो चुका है, एफ एस बराबर क्या हो चुका है, एफ एल हो चुका है, और ये एफ एल किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा के बराबर है, और एफ एस कितना, म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, दिस इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी से एम जी कटेगा, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया टेन थीटा बराबर कितना, टेन थीटा आ गया म्यू एस, क्या गया, तो वो जो एंगल है वो किसके बराबर होता है, उसका टेन इनवर्स जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर, किस कंडीशन में, यहां पर से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या, तो एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है बोलो साहब, टेन इनवर्स, हालांकि कुछ किताब लिखता है कि पहले वाले को भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिपोज बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लिखता है अपना मॉड्यूल में विकास वाले से किया इनइक्वालिटी के फॉर्म, इन हम किसको बोलेंगे जब ये कहाँ चले जाए, तो म्यू एस आएगा ही नहीं उसमें, तो एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर आ गया बोलो, टेन इनवर्स, इससे फायदा क्या होने वाला है, देखो क्या फायदा, जैसे अगर म्यू एस का वैल्यू सपोज करो, म्यू एस का वैल्यू बता दे रूट थ्री, कितना बता दे, तो इसका मतलब बोलो थीटा के एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा 60 डिग्री, समझ में आया। और कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि वह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहां पर ब्लॉक किस कंडीशन पर आ जाए, जस्ट इन कंडीशन ऑफ स्लिपिंग, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर, या थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू एस। चलो इसको नोट करो ठीक से, पहले लिखो एक लाइन लिखना है तो, यहां तक नोट कर लिए हैं। लिखा है वो, यहां पर ये लिख लो, यहां पर थीटा है क्या, यहां पर एंगल ऑफ, यहां लिख लीजिए थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ऊपर लिखे ही है, फिर से एक बार लिख लीजिए, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ बोर्ड एग्जाम के लिए सब है, सब जो हम लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है, एग्जाम भी हो गया होगा लग रहा है उसका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक कम्स इन कंडीशन ऑफ, एट विच ब्लॉक कम्स इन कंडीशन ऑफ जस्ट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, जस्ट स्लिपिंग किस पे, ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक कम्स इन कंडीशन ऑफ जस्ट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, और ये किसके बराबर हो रहा, टेन थीटा बराबर म्यू एस के बराबर हो रहा। तो कई सवाल आप रिस्क ले सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं, जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा लिमिटिंग केस का और एंगल वाला, तो सभी का जवाब एक ही आएगा सब में, कितना, टेन थीटा बराबर, आपको सॉल्व करते हुए दिखाएंगे मॉड्यूल। तो कई बच्चे क्या कर, जैसे देखेंगे उस तरह सवाल कुछ है तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देता है, टेन थीटा बराबर म्यू एस हो जाएगा। नीट में या जेईई मेन में वो काम कर सकता है ट्रिक, लेकिन हम लोग तो प्रॉपर बनाने में क्या दिक्कत है, इसे बना लेंगे तो ठीक है। चलिए इसके बाद हेडिंग लगाइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सेकेंड इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो इसको लैम्डा से दिखाते हैं, एंगल ऑफ
फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हेयर द, बातचीत मत करो, और इसको लिख दिया लैम्डा। इसमें क्या है देखिए, एक ब्लॉक है, कहाँ रखा हुआ है ये, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये सरफेस क्या है, रफ, ये सरफेस है रफ, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, एम बराबर एम, यहां लिख देते हैं। अब इस पर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं इधर से हम, और ये फोर्स वेरिएबल है, वही चीज है, देखना समझ लगेगा, ये भी तो वही चीज है, और ये फोर्स हम लोग स्लोली बढ़ाते हैं इसको, जीरो से क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, जीरो से बढ़ते जाता है, तो कहीं ना कहीं वही फोर्स तो है, एम जी साइन थीटा बढ़ा ही रहे थे उसको, सिचुएशन तो वही है ना, ये फोर्स क्या है बोलो तो, ये फोर्स क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहां से, फ्रॉम जीरो, इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो, इसको बढ़ाते जा रहे, जैसे एफ बराबर टू टी समझिए, तो अलग अलग टाइम पर फोर्स क्या होगा, अलग अलग, तो जब टी बराबर जीरो पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे बाहर से, तो नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, और ब्लॉक रेस्ट में ही रखना है, चलने नहीं देना है इसको, ब्लॉक क्या रखना है आपको, रेस्ट में ही रखना है, वहीं पर रुक जाएंगे हम, फोर्स जो बढ़ रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, तो इधर का फ्रिक्शन भी क्या होने लगेगा, यहां लगता है ऊपर लगा रहे हैं हम, ये भी बढ़ेगा धीरे धीरे, ये भी क्या होता रहेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कब तक बढ़ता रहेगा ये, जब तक, उसके बाद क्या होगा, ब्लॉक चलने लगेगा। तो जस्ट जब स्लिपिंग के कंडीशन में आ जाए, तो यहीं से वो डिफाइन करेंगे, दिस इज योर नॉर्मल फोर्स, और ये एफ एस बराबर कहां पहुंच चुका है, अब एफ एस मैक्स पे पहुंच चुका है, ऐसा आएगा कि नहीं, एक कंडीशन आएगा। अच्छा ये बताओ, ये नॉर्मल फोर्स और ये जो एफ एस है, ये दोनों क्या कहलाएगा, नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स है और ये भी क्या है, कॉन्टेक्ट, तो इसका एक रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन, इस दोनों फोर्स का क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा इधर, या इस दोनों फोर्स का ये टुकड़ा है, ये फोर्स का इस दोनों क्या है, ये टुकड़ा है, और इसको क्या नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको क्या बोलते हैं, नेट कॉन्टेक्ट फोर्स। इसका मतलब ये दोनों फोर्स इसी से आया है, इसी का टुकड़ा है ये, एफ सी, एफ सी का मतलब नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, एफ सी का मतलब है नेट कॉन्टेक्ट फोर्स। यहां पर एक बार लिखते हैं, एफ सी क्या है, एफ सी है नेट कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक, कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक। ये बताओ इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, एफ सी का ये दोनों फोर्स कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो दो फोर्स 90, रिजल्टेंट क्या होगा बोलो, हाँ होगा एफ एस, ही बोलना चाहिए जनरल जगह पर, बोल एफ एस बोलोगे तो एफ एस में तो आ ही जाएगा, इसलिए हमेशा क्या बोलना चाहिए, हाँ अगर कोई स्पेशल डिफिनेशन वहां पर आ रहा था वो एफ एस को एफ एस में लिख दीजिए, तो एफ एस का स्क्वायर प्लस क्या एन का स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या कौन सा फोर्स बनाएगा, नेट कॉन्टेक्ट फोर्स बनाएगा, समझ में आया, और एन और एफ सी तो पहले ही आ रहा था आपको, तो ऐसे बोलो कि एन और एफ एस का रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एफ सी है, या एफ सी का दो कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा, हाँ एन और एफ एस होता है। अब ये बताओ, ये तो आ गया समझ में, एट लिमिटिंग कंडीशन, कब लिमिटिंग कंडीशन आएगा, एट लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन पे नेट कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बोलो तो क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग कंडीशन में किसके बीच का एंगल, नेट कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच जो एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कुछ लोग पहले भी वो उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कुछ किताब, जैसे हमने मॉड्यूल में एक सवाल है इसी के बारे में बोलना चाह रहे हैं, वो हम बोल दिए थे, तो वहां पर भी हो सकता है, तो समझ जाना, अच्छा ये पहले वाले को भी क्या बोल दे रहा है, ये एंगल ऑफ, लेकिन हम डिफिनेशन एक्चुअली क्या है, किस किस कंडीशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे उसको हम, जब ये कहां चला जाए, वो एफ एस मैक्स पे चला जाए, ठीक है। तो एट लिमिटिंग कंडीशन बोलिए किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एफ सी एंड नॉर्मल फोर्स इज नोन एज, इज नोन एज, बोलो क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज लैम्डा।
ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं समझ में आया। हॉरिजॉन्टल से एक ब्लॉक को रखिए, अब बात फोर्स बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, जब जस्ट स्लिप करने कर दो रोक दीजिए। अब किसके बीच के एंगल मेजर कीजिए आप, नॉर्मल फोर्स और नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, वही क्या कहलाएगा। अब देखते हैं मैथ से, तो एक्सपेरिमेंट ऐसे मेजर कर सकते हैं मैथ में किसके बराबर हो रहा है। तो देखो ये जो एंगल है, यहाँ लिख दें लैम्डा, लिख देते हैं लैम्डा, तो बताओ टेन लैम्डा इक्वल टू व्हाट, तो टेन लैम्डा आ जाएगा किसके बराबर, एफ एस नहीं एफ एल पर ना डिपेंड होगा, ये कहाँ डिपेंड होगा, एफ एल बाय क्या, एफ एल बाय एन, कुछ नहीं बोल रहा, एफ एल बाय एन, तो टेन लैम्डा दिस एफ एल किसके बराबर होगा, म्यू एस इन टू एन, तो एन से एन, ओ फिर तो सेम वैल्यू आ गया, मतलब कितना आ गया फिर वो टेन लैम्डा बराबर कितना, म्यू एस, तो म्यू एस बराबर कितना, टेन इनवर्स किसके बराबर, म्यू एस के बराबर। तो ये दोनों मैथमेटिकली एक ही रिजल्ट को बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये भी सीखे, कभी कभी सिर्फ ये वाला पूछता है कि बताओ नेट कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है इसमें है, तो एफ एस का स्क्वायर प्लस, हाँ पूछ सकता है ये सवाल, सिर्फ नीट के लिए ज्यादा अच्छा ये सवाल है। जैसे 2 kg का बॉडी है, सुनो जरा सा, कितने kg का, और उस पर एफ एस जो लग रहा है 0 से 10 न्यूटन, 0 से 10 न्यूटन लग रहा है, और हम लोग फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, तो नेट कॉन्टेक्ट ये कितना होगा, एफ सी, तो फ्रिक्शन 5 ही होगा उसमें, इधर 20 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, समझ आया ये बात। तो एफ सी किसके बीच, एफ सी कौन सा फोर्स है, नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स एंड, और फ्रिक्शन जैसे पहले निकाल वो भी निकालिए साथ में ऐसे करके, एन तो बहुत आसान है बताना, एन बराबर कितना एम जी, हॉरिजॉन्टल में किसमें, अच्छा इसको तो उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, किस पर, इंक्लाइन प्लेन पर भी ऐसे ही करके हो जाएगा, उसमें जवाब भी यही आएगा। चलो नोट कर लो ठीक से, हो गया ठीक है।